जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अपना पीएचडी थेसिस को लिख रहे हैं तो उसको कैसे बेस्ट वे में आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखो भाई, पीएचडी थेसिस लिख रहे हो मतलब आपका तो भाई रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया होगा। मिनिमम जो कंडीशन है आपका गाइडलाइन जो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है, अगर वो मिनिमम कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया है तब जाके आप पीएचडी थेसिस लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो पीएचडी थेसिस है, ऐसा नहीं है कि आप दो दो मिनिमम रिसर्च पेपर स्कोपस या इससे में अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन लिखा हुआ है और आपका पब्लिश हो गया है और आप रिसर्च पेपर डाले हो वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्या थेसिस लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ भाई, थेसिस लिखना स्टार्ट कर दो। तो थेसिस जब लिखोगे उसके लिए आप क्या क्या ध्यान दोगे उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहला चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्या थेसिस को जब आप लिख रहे हो, ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है पीएचडी का लाइफ में, ठीक है। तो थेसिस जब आप लिख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपका अगर आप पीएचडी कर रहे हो ना, अगर आपके पास प्रिंटआउट मतलब यूनिवर्सिटी गाइडलाइन का अगर प्रिंटआउट नहीं है तो बहुत खतरनाक स्टेज में आप लोग हैं। प्रिंटआउट क्योंकि आपका कुछ भी पीएचडी का आप कर रहे हो उसका यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी डाउट आ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी गाइडलाइन को अगर आप देखते हो तो बहुत हेल्प मिलता है। तो वहां पे भी यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन में लिखा रहता है कि जो स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, जैसे कि आपका टाइटल पेज रहेगा, उसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन रहेगा, ठीक है। जो स्टेप स्टेप है हम लोग बातचीत करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। कंटेंट रहेगा, फिगर्स टेबल्स इस तरह का रहेगा, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो वो गाइडलाइन में लिखा रहता है कि कौन कौन सा स्टेप में कौन कौन सा ऐड आपको करना पड़ेगा, मतलब टाइटल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस दिया हूँ, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब लिखोगे चैप्टर वन के हिसाब से। तो उसको आप जब तक वहां पे यूनिवर्सिटी गाइडलाइन अगर आप नहीं देख के आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो कि अपना थीसिस लिख रहे हो तो आगे जाके फिर से आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बर्बाद नहीं होगा, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा कि रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो, देखो भाई, अगर आपका कोई सीनियर पास आउट हुआ है जो पीएचडी स्टूडेंट अपना रिसर्च गाइड के अंडर आपका जो रिसर्च गाइड है उनके अंडर काम कर रहे हैं तो उनके पास उनका भी थेसिस होता है। तो अगर आपका सुपरवाइजर को आप पूछोगे तो उनसे आप थेसिस लेके आ सकते हो। तो उनको उसको आप रेफरेंस के तरह आप यूज कर सकते हो कि किस तरह का आप लिख सकते हो। और चीज है कि अगर आप फिर भी डाउट हो रहा है या अगर अल्टरनेटिव अगर ढूंढोगे तो शुद्धगंगा एक ठो वेबसाइट है, ये मुझे लगता है कि अगर जो भी पीएचडी कर रहे हो उसको अच्छा खासा पता होगा। तो शुद्धगंगा का वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पे क्या करते हैं कि जब पीएचडी खत्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पीएचडी थेसिस मतलब सबमिशन करते हैं, और ये कंपलसरी चीज है, ठीक है। मतलब आज का इंडिया में ये कंपलसरी कर दिए कि जब तक आप पीएचडी खत्म हो जाएगा उसका जो फाइनल थेसिस होगा यहाँ पे आके अपलोड करेगा, ताकि बाकी देश का जो पीएचडी स्टूडेंट है वो अलग जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पीएचडी का रिसर्च में आपको हेल्प हो सकता है कि क्या क्या पीएचडी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप थेसिस लिखा है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उसको आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन दिया है, इसको अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं थीसिस में अगर क्लिक करता हूँ तो उसका वेबसाइट में दिखा देगा कि क्या क्या थीसिस अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी एक थीसिस को क्लिक करके दिखा देता हूँ, 21 मार्च 2024 में ये सबमिशन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो उसका फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल लिखा है, ठीक है, टाइटल लिखा है, प्रीलिम्स लिखा है, कंटेंट्स लिखा है, कंटेंट उसके चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव, चैप्टर सिक्स, एनेक्सचर, रिकमेंडेशन। तो ये जिस फॉर्मेट में लिखे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला
उनका यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो गाइडलाइन है उसके बेसिस में वो लिखे। अगर टाइटल का पीडीएफ अगर व्यू ओपन में अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका पीडीएफ खुल के आ जाता है। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये स्कैन करके अपलोड किए हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो पीएचडी का आप मतलब जब सबमिशन करोगे तब मतलब पीएचडी जब आप पेपर पर लिखोगे थीसिस लिख दोगे, जब आप यूनिवर्सिटी में खुद का थीसिस सबमिशन करोगे उसका प्रोसेस है, जब थीसिस सबमिशन करोगे तो वहां पे हम लोग को क्या देना पड़ता है कि सॉफ्ट फाइल देना पड़ता है, पेन ड्राइव में दे सकते हो या सीडी बनाकर दे सकते हो। ठीक है, अभी मैंने सबमिट किया था मेरा यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे सीडी में राइट करके बोले थे कि सबमिशन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो थीसिस का पूरा पेज बाय पेज को दे सकते हो, सिंगल फाइल में भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हो एक टाइटल पेज है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये टाइटल है, जीरो सम सैंपल समथिंग एस्टिमेशन प्रोसीजर उनका रिसर्च का टाइटल है, किसके लिए, डॉक्टर फिलोसफी इन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वो रिसर्च सबमिशन कर रहे हैं। उसके बाद जो रिसर्चर है उनका नाम है, उसके बाद नहीं नहीं ये जो है प्रोफेसर आर करण सिंह, ये पर्टिकुलर अगर देखोगे तो ये सुपरवाइजर है। उसके बाद नाम है रिसर्चर का, उसके बाद लोगो रहेगा, उसके बाद ईयर रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद इसका ईयर लिखा हुआ है। तो इस तरह का आप डिजाइन कर सकते हो। सबसे अच्छा होगा कि अपना जो रिसर्च गाइड है उनको पूछो जो ऑलरेडी उसके अंडर रिसर्च करके रखे हैं, मतलब उनका जो सीनियर पीएचडी स्टूडेंट पास होके गए उनके पास होगा थीसिस का एक एक फाइल होगा, उनसे मांगिए तो उसके बेसिस में आप करो तो आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान देना है जब आप लिख रहे हो, तो टाइटल पेज कैसे लिखना है वही चीज मैं यहाँ पे सैंपल दिखाया था, इसको फॉलोअप कर सकते हो। सबसे अच्छा बोला कि अगर आपका जो सीनियर लोग पास हुए हैं उनका पीएचडी का थीसिस आपको मिल रहा है तो उसको फॉलोअप करोगे तो सबसे अच्छा है। अगर आपके पास कुछ चॉइसेस नहीं है तो शुद्धगंगा का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, वो किस तरह का किए हैं उसको आप फॉलोअप कर सकते हो। और उसमें क्या रहना चाहिए कि आपका टाइटल ऑफ द थीसिस होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, डिग्री क्या कर रहे हो, इंस्टीट्यूट का नाम रहना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन नहीं चाहिए। डेट ऑफ सबमिशन ये डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन लिखा हो कोई कोई मांगता है कोई कोई नहीं मांगता, तो डिपेंड के हिसाब से आपको टाइटल पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 250 से 500 वर्ड में। और ध्यान रखना है कि जब अब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो प्रॉब्लम मेथड की फाइंडिंग और कंक्लूजन को अच्छे से वहां पे आपको लिखना पड़ेगा वो 250 और 500 वर्ड में। ठीक है, तो एक तरह का देख सकते हो कि एक स्नैपशॉट है पूरा एंटायर थीसिस का, कोई अगर आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये स्टूडेंट क्या क्या काम किया है। इस तरह का सोच सकते हो कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चार या पांच पेपर लिख रहे हो और हर एक पांच पेपर को अपना थीसिस में आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, तो वो पांच पेपर का जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं उसको दो तीन लाइन में कन्वर्जन करके उसको अब्स्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए। अगर पांच पेपर को आप चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव के अंदर आप रखना चाहते हो तो वो पांच पेपर का हर एक को दो तीन लाइन शॉर्ट में लिख के वो अब्स्ट्रैक्ट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो भी पढ़ेगा अब्स्ट्रैक्ट को उसको लग जाएगा कि ये पांच जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है वो पांच कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है। एक्नॉलेजमेंट आप दे सकते हो कि जो जैसे कि आप सुपरवाइजर को आप एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो, कॉलेज फैकल्टी लोगों को दे सकते हो, यूनिवर्सिटी को दे सकते हो, अगर कोई फंडिंग किया है उसको भी आप एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हो, तो एक्नॉलेजमेंट पेज रहता है उसको आप दे सकते हो। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट को आपको तो करना पड़ेगा, देख सकते हो यहाँ पे इसमें है कि नहीं शुद्धगंगा में कॉन्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे व्यू ओपन फाइल करूंगा तो कंटेंट यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये देखो कंटेंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल में लिखा हुआ है, देखो ये इनका जो रिसर्च है ना 126 पेजेस का है। अगर पेजेस के बारे में बातचीत करोगे कितना पेजेस रहना चाहिए तो वो डिपेंड करता है, अगर आपका काम बड़ा हो गया तो 150 पेज 200 पेज का भी आप थीसिस लिख सकते हो। ठीक है, मैंने जो मेरा खुद का थीसिस लिखा हूँ 185 पेजेस का है, 120 पेज का भी होता है और आपका 200 पेज का भी होता है। तो मिनिमम ये समझ कर रखो कि भाई 120 पेज का तो करना ही करना है। अगर आपका अच्छा खासा पेपर काम किए हो तो उसको अगर थीसिस में इंक्लूड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा ज्यादा पेपर हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो 100
80 190 इस तरह का पेजेस का हो जाता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि ज्यादा पेज हो गया। हाँ, जब आप थेसिस को प्रिंट करोगे, बुक बाइंडिंग जैसे करोगे, तब जाके ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है, ये एक मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट आप एंट्री कर सकते हो। लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल्स ये आपको भी इंक्लूड करना है, मतलब जिस जिस पेज में आपका फिगर रहेगा, टेबल रहेगा, उसका नंबरिंग करना पड़ेगा, और लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल में उस पेज को वहां पे रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अलोंग विथ पेज नंबर। तो लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल आपको करना पड़ेगा। अगर इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम शुद्धगंगा में यहाँ पे देखेंगे, लिस्ट ऑफ फिगर लिखा नहीं है, ठीक है, कंटेंट लिख के छोड़ दिया है अच्छे से। यहाँ पे पीएचडी का थीसिस में कंटेंट कंटेंट लिखा है 2 बार, मतलब फाइल का नेम के हिसाब से नहीं है, डायरेक्ट आ गया चैप्टर 1 में आ गया, ठीक है। दूसरा वाला पीएचडी का थीसिस आप देख सकते हैं, ठीक है, और एक हम थीसिस सैंपल ले जाते हैं, वहां पे लिखा रहता है लिस्ट ऑफ फिगर टेबल कंपलसरी रहता है, ठीक है। ये दूसरा वाला देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ट्राइजेटल कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक मोटिव ये एक है। यहाँ पे भी देख सकते हो टाइटल एब्स्ट्रैक्ट इस तरह का, यहाँ पे कंप्लीट फाइल नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह सोच सकते हो कि शुद्ध गंगा में थीसिस कंप्लीटली नहीं मिलता है, ऐसा नहीं, मिलता है मिलता है, मैंने देखा है। यहाँ पे मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे हो रहा है, फिर भी और एक मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ, मैं यही वाला पहले देख रहा हूँ मैं पहले। हाँ ये देखो अच्छा खासा लिखा हुआ है, पहले मैं देखा था अच्छा खासा लिखता है। यहाँ पे देखो टाइटल है, देखो यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वहां पे हम लोग देखे थे स्कैन करके दिए थे, यहाँ पे स्कैन करके देखो, यहाँ पे स्कैन करके नहीं दिए, डायरेक्ट यहाँ पे देखो स्कैन करके, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पेज का साइड में किस तरह का दिख रहा है, तो ये स्कैन करके हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या है, वार्ड पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड जैसा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो उनका जो टाइटल पेज है, यहाँ पे देख सकते हो नेम है, उसके बाद थेसिस सबमिटेड टू उस यूनिवर्सिटी का नाम है, पीएचडी के लिए इन द फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का है, सबमिटेड बाय जो रिसर्चर है पीएचडी स्टूडेंट उसका नाम है, उसके बाद सुपरवाइजर का नाम है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, 2020 का है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, सर्टिफिकेट दिया है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो थेसिस लिखने का टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप आपका सुपरवाइजर अगर आपको देता है पुराना वाला थेसिस तो वो उसको फॉलो अप कर सकते हो, नहीं तो शुद्ध गंगा में जाके अच्छा खासा देख सकते हो। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक सर्टिफिकेट किस तरह का लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफिकेट टू गाइड, मेरा जो था, मैं अभी मेरा खुद का काम दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ थीसिस सबमिशन किया हूँ, जब तक मेरा पीएचडी डिग्री नहीं मिलेगा मैं कैसे दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब लिखा था सिर्फ सर्टिफिकेट लिखा था, ठीक है, सर्टिफिकेट लिखा था और ये सर्टिफिकेट ऑफ द गाइड नहीं लिखा था, क्योंकि मैं मेरा रिसर्च गाइड को उनको मांगा था कि जो रेफरेंस के लिए थेसिस के लिए मुझे कुछ दीजिए, तो वो मुझे मेरा जो सीनियर थे उनका दिए थे, सीनियर मतलब वो 4 5 साल पुराना वाला सीनियर, ठीक है, वो सॉरी 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 टूट गया चेयर टूट गया। तो उनका जो थेसिस था वो मुझे दिए थे, तो उसको फॉलो करके मैंने किया था। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, डिक्लेरेशन किस तरह का लिख सकते हो उसको आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि उसका फॉर्मेट क्या है, डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या लिखते हैं, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन में पर्टिकुलरली ये लिखना पड़ता है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो खुद का काम है, आप दूसरे से कॉपी नहीं कर रहे हो, इस तरह का चीज आपको मतलब डिक्लेरेशन करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे थेसिस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का लिखा रहता है। यहाँ पे देख सकते हो एक्नॉलेजमेंट, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कंटेंट लिस्ट ऑफ टेबल लिस्ट ऑफ फिगर, देखो अच्छा खासा लिखा है लिस्ट ऑफ फिगर, ये देखो लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल को अलग अलग किया है, जो कि अच्छा है, मैंने भी इस तरह का काम किया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फिगर अलग है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल अलग है, ठीक है, ये अलग अलग लिखना अच्छा होता है, ठीक है, एक साथ नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग लिखना चाहिए। लिस्ट ऑफ आजा भाई, हाँ लिस्ट ऑफ टेबल्स यहाँ पे आ गया, ये देखो लिस्ट ऑफ फिगर इस तरह का आ गया, तो इस तरह का आप कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक तो बॉक्स लगाते हैं, जैसे टेबल लगाते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम रहता है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, तो ये सिस्टमेटिकली इस तरह का सुंदर से लिख के आ जाता है। अगर लिस्ट ऑफ फिगर किस तरह का लिखना है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ताकि आगे जाके, ठीक है, अभी तो मैं पीएचडी गाइडेंस के ऊपर
जितना वीडियो हो सकता है उसको मैं बनाऊंगा। जितना मेरा दिमाग में आ रहा है कि ये चीज एक पीएचडी स्टूडेंट को हेल्पफुल होगा। नहीं तो एक पीएचडी थीसिस किस तरह का लिखते हैं, मिनिमम उसका वार्ड में किस तरह का लिखते हैं, उस प्रोसेस को मैं करके भी दिखा सकता हूँ आगे। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में देखते हैं। ठीक है, और क्या है, लिस्ट ऑफ फिगर, नोटेशन, एब्रीविएशन, एब्स्ट्रैक्ट, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। देखो यहाँ पे, देखो मैक्सिमम अगर देखोगे यहाँ पे शुद्ध गंगा में, अगर पीएचडी का डिफरेंट डिफरेंट देखो कितना है, 5,60,980 यहाँ पे थीसिस सबमिशन हुआ है। अगर डिफरेंट डिफरेंट देखोगे ना, तो ये देखो मैक्सिमम में इतना चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। और ये चैप्टर 1 क्या होता है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा इंट्रोडक्शन आएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मेथोडोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखो कंक्लूजन आ जाएगा। इस तरह का होता है, देखो ये मेरा गेस नहीं है, मैं काम किया हूँ इसलिए मैं गेस करके भी बोल देता हूँ यही हुआ होगा। ठीक है, चैप्टर 1 में अबे लोड हो जा, लोडिंग नहीं हो रहा है। हाँ देखो लोडिंग हो रहा है अभी, देखो लाइव करके दिखा रहा हूँ रैंडमली। देखो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू हो गया, चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी हो गया, देखो मेथोडोलॉजी हो गया, उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन हुआ होगा, रिजल्ट एंड डिस्कशन, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस आएगा जो लिखा रहेगा। देखो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, रेफरेंस आएगा, अपेंडिक्स आएगा, रिकमेंडेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे चैप्टर वन को किस तरह का लिखेंगे, चैप्टर में क्या क्या होगा, चैप्टर में इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, अगर इसको अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहना चाहिए, तो अगर देखोगे इंट्रोडक्शन में, तो आपका पर्पोज रहना चाहिए कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो रिसर्च को, रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को वहां पे रहना चाहिए, और आपका रिसर्च क्यों कर रहे हो उसके ऊपर आपको सिग्निफिकेंस के हिसाब से जस्टिफाई करके लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च, मतलब पहले अगर कुछ काम किया, लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे नहीं, बैकग्राउंड मतलब किस एरिया में आप काम कर रहे हो उसके बेसिस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरह का रहेगा। उसके बाद अगर हाइपोथेसिस ले रहे हो तो उसको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, स्कोप ऑफ द स्टडी क्या है, और आपका जो थीसिस का आउटलाइन है, मतलब क्या क्या काम किए हो, अगर 5-6 पेपर कर रहे हो और उस 5-6 पेपर को आप इंट्रोडक्शन में आप एंट्री कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। हर जो 5-6 पेपर आप काम किए हो, हर चीज का आपको आउटलाइन बना के रखना पड़ेगा, और आगे जाके वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। अगर लिटरेचर रिव्यू को अगर बारे में बातचीत करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर 5 पेपर को आप मतलब 5 पेपर का काम किए हो और आपको लिटरेचर रिव्यू में ही उस 5 पेपर का इंफॉर्मेशन देना है, तो आप यहाँ पे जो आउटलाइन करके रखे हो हर एक 5 पेपर का, हर एक 5 पेपर के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आपका लिटरेचर जो है घुसा सकते हो। ठीक है, आउटलाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपका पीएचडी का गाइडलाइन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप थीसिस एक बार लिख दो। ठीक है, जो जो नॉलेज आ रहा है, मैंने इस तरह का किया था कि मतलब ये है कि भाई इंट्रोडक्शन लिखना है, लिटरेचर लिखना है, उसके बाद मेथोडोलॉजी में लिखना है, तो आपके दिमाग में जिस तरह का आ रहा है एक बार रॉ थीसिस लिख दो। आप अगर वेट कर रहे होगे कि नहीं मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है पूरा परफेक्टली लिखना है, उस तरह का मत करो, एक बेसिक आइडिया आप ले जाओ, उसके बेसिस में आप अपना इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू आप लिख दो, उसके मेथोडोलॉजी पूरा जितना है थीसिस आप लिख दो, उसके बाद आप उसको फॉर्मेट करो, क्या क्या चीज चाहिए उसी हिसाब से आप साइज कर सकते हो अपना डॉक्यूमेंट को, अच्छे से साइज कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब जो पैराग्राफ से कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कंटिन्यू होना चाहिए, सब चीज जब लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप लिख रहे हो वो रहना चाहिए। ठीक है, एक फ्लो होना चाहिए। अगर आप 5 पेपर लिखे हैं तो आपको पता होगा कि आपका रिसर्च के ऊपर किस तरह का काम किए हो, तो उस फ्लो में आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे, इसलिए तो थीसिस पूरा लास्ट में जाके लिखते हैं। स्टार्टिंग में कोई पहला ईयर में आके थीसिस में लिखूंगा ऐसा अगर कोई नहीं करता है, क्योंकि पता ही नहीं क्या काम करना है। जब आप 4-5 पेपर कर लेते हो उसके बाद आपको आइडिया आ जाता है कि किस तरह का लिखना है, तो फ्लो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो तो वहां पे अच्छा खासा जो रिसर्च गैप है उसको आप आइडेंटिफाई करके लिखिए,
और अगर नोबिलिटी है तो आप लिखिए उसको, मतलब इन्फॉर्म कीजिए। और चीज क्या है, जब अगर लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो उसका एंड में क्या कर सकते हो कि कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। ये बात मैं जब रॉक वाला लिखा था पता नहीं था, जब मैं मेरे रिसर्च गाइड को साथ बातचीत किया तो वो बोले थे कि जब ये हमारा लिटरेचर रिव्यू एक चैप्टर है, चैप्टर टू, जितना भी आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो लास्ट में एक तो कंक्लूजन 150 या 100 वर्ड का एक कंक्लूजन लिखना चाहिए। चैप्टर थ्री मेथोडोलॉजी लिख रहे हो, मेथोडोलॉजी का भी जो लास्ट में अगर देखोगे जो जो मेथोडोलॉजी या मेथड्स यूज कर रहे हो उसको तो आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे हर एक मेथड को, और हर एक मेथड का एक्सपेरिमेंट किस तरह का डाटा कलेक्शन हुआ है उसके बारे में आप लिखोगे, एनालाइज डाटा है उसके बारे में आप लिखोगे। सब लिखने के बाद आप क्या करोगे कि जो मेथोडोलॉजी का लास्ट सेक्शन में कंक्लूजन वाला चीज ऐड करना पड़ेगा, उस कंक्लूजन में 100-150 वर्ड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। रिजल्ट में भी उस तरह का, रिजल्ट में सिंपल रिजल्ट आप लिख सकते हो, अगर रिजल्ट एंड डिस्कशन कर रहे हो तो रिजल्ट को लिखो और वहां पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो सिंपल, अगर यहाँ पे रिजल्ट ही लिख रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे अगर देखोगे रिजल्ट एंड डिस्कशन, तो यहाँ पे रिजल्ट भी लिखा होगा उसके साथ जो इंटरप्रेट कर रहा है, जो रिसर्च का काम हुआ है, दोनों को यहाँ पे ऐड करके रखते हैं। अगर सिर्फ आप रिजल्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ जाके रिजल्ट का डाटा दो, उसके बाद डिस्कशन अलग चैप्टर रहेगा, वहां पे आप इंटरप्रिटेशन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैटर करता है कि किस तरह का आप चैप्टर में मतलब कन्वर्जन करते हैं, तो वो रिसर्च गाइड जो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है वहां पे लिखा रहता है कि किस तरह का चैप्टर होगा, ठीक है। चैप्टर 5 पे देखो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपका जो जो फाइंडिंग है उसको आप पॉइंट वाइज यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या क्या हुआ है, फीचर्स को किस तरह का काम कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो इस तरह का काम करके आप क्या कर सकते हो कि अपना थीसिस को अच्छा खासा स्ट्रक्चर कर सकते हो, रेफरेंस आप ऐड कर सकते हो। रेफरेंस के लिए देखो अगर आप नंबर रेफरेंस कर रहे हो, मतलब जो लिटरेचर रिव्यू में या चैप्टर 2, 3, 4, 5 के अंदर कहीं पे अगर आप रेफरेंस दे रहे हो नंबर के हिसाब से, तो आप रेफरेंस भी नंबर के हिसाब से दोगे। और रेफरेंस में देखो आप डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे एपीए हो गया, उसके बाद एपीए हो गया, एमएलए हो गया, चिकागो हो गया, ये सब डिफरेंट फॉर्मेट होता है। अगर आप एपीए यूज कर रहे हैं मतलब हर रेफरेंस में आपके नहीं कि एक एपीए में कर रहे हो, दूसरा में एमएलए कर रहे हो, तीसरा में चिकागो कर रहे हो, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली आपका रहना पड़ेगा। अपेंडिंग्स कुछ एडिशनल मटेरियल है, कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपलसरी देना पड़ेगा। अगर कुछ एडिशनल मैटर है जैसे कि कुछ फॉर्मूला है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ रॉ डाटा है, क्वेश्चनियर्स है, उसको आप क्या कर सकते हो कि अपेंडिक्स में ऐड कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको जब आप थीसिस स्ट्रक्चर करोगे ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका जब भी लिख रहे हो लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, मतलब एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जब जा रहे हो रैंडम चीज आना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो रहना चाहिए। चैप्टर का समरीज करो, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जब लिख रहे हो पूरा एंड में हर एक चैप्टर का कंक्लूजन ऐड होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रहना चाहिए, जैसे कि टाइम फॉन्ट साइज हो गया, मार्जिन हो गया, साइटेशन स्टाइल हो गया, ये सब कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉन्ट साइज हो गया, कहीं पे 10 हुआ है तो कहीं पे 12 हो गया है, कहीं पे 11 हो गया है, तो इस तरह का फॉन्ट साइज करोगे तो मतलब अपना जो रिसर्च गाइड है वो ही मना कर देता है, ठीक है। अगर आप सबमिशन कर रहे हो तो बाकी फिर से आपको रिवाइज करके करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसमें टाइम जलेगा। तो ये ध्यान दो कि फॉन्ट साइज को मेंटेन करके रखो, अगर टेबल का मेंटेन कर रहे हो 10, तो 10 फॉन्ट साइज हर एक टेबल का रहना चाहिए। फिगर का कर रहे हो तो फिगर का डिस्क्रिप्शन के लिए फिगर 1 डिस्क्राइब दिस, तो उसको अगर 10 फॉन्ट साइज में रख रहे हो, जितना फिगर है जो जहां पे उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, फिगर का नंबर दे रहे हो, तो वहां पे उसका फॉन्ट साइज उस तरह का ही मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंस फॉर्मेट आपको रहना पड़ेगा। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि अपना जो थीसिस है उसको आप क्या कर सकते हो कि अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज है कि कोई कोई यूनिवर्सिटी में मैंने जितना सुना है, मैंने देखा नहीं, मैंने जितना सुना है, तो वो जो पेपर लिख रहे, अगर 4 पेपर लिख रहे तो 4 पेपर को हर एक पेपर को एक एक चैप्टर बना के दे देते हैं, तो ये भी एक फॉर्मेट है। लेकिन उस फॉर्मेट को उनका जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे गाइडलाइन होगा, इसलिए वो इस तरह का करते हैं। लेकिन जो मैंने लास्ट में शुद्ध गंगा का दिखाया कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू है, चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी है, चैप्टर 5 आपका
चैप्टर 4 हो गया, रिजल्ट एंड डिस्कशन, चैप्टर 5 हो गया, क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो ये चीज यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन में होता है, इसलिए उस तरह का डिजाइन करके लिखना पड़ता है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि अपना थीसिस का काम शुरुआत कर सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो भाई जरूर कमेंट सेक्शन में बताना किस तरह का क्या क्या, अगर मतलब वीडियो को अच्छा लगा तो फीलिंग आपका लिख सकते हो वहां पे, और कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।